दोस्तों, आंखें लाल हो जाना, आंखें गुलाबी हो जाना, उसमें सूजन रहना, दर्द रहना, आंखें चिपक जाना, ये कंडीशन पिंक आई या आई फ्लू या कंजनक्टिवाइटिस या आंख आने की कंडीशन को कहा जाता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको इसी कंडीशन के बारे में बताऊंगा कि कंजनक्टिवाइटिस या आंख का आना या आई फ्लू क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, ट्रीटमेंट क्या होते हैं और इसके बचाव क्या है, इसी के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगा। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें और इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। दोस्तों, बात करते हैं कंजनक्टिवाइटिस या आँख आने की कंडीशन क्या होती है। दोस्तों, आँख हमारे बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इसके बिना दुनिया अधूरी लगती है। दोस्तों, आपकी आँखों में जो उजले रंग की जो परत होती है उसको स्क्लेरा कहा जाता है। मैं आपको एक पिक्चर लगा देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। दोस्तों, आप इस पिक्चर में देख रहे हैं छोटी छोटी नसें लाल रंग की दिखाई दे रही है। इसमें अगर किसी भी प्रकार से वायरल या बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाने के कारण इसमें सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाती है, इसी कंडीशन को कंजनक्टिवाइटिस या आँख आने की कंडीशन कहा जाता है। दोस्तों, ये कंडीशन खास करके हर एज में देखने को मिलता है। किसी भी उम्र के लोगों में ये कंडीशन हो सकती है, लेकिन बच्चों में ये जो कंडीशन है बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। कारणों की अगर हम बात करें तो ये वायरल इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल होता है, वायरस होता है और एलर्जिक इन्फेक्शन के कारण होता है। दोस्तों, सिम्टम्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये सिम्टम्स इसमें ये आता है कि आपकी आंखें लाल हो जाती है, आपकी आंखें गुलाबी हो जाती है, उसमें दर्द होता है, उसमें कीचर के जैसे सेंसेशन होता है, आपकी आंखें चिपक जाती है, वाटरी डिस्चार्ज होने लगता है और जो डिस्चार्ज होता है वो जलन बहुत ज़्यादा करता है और आंखों में आपकी कांची लग जाती है और स्टिकी फ्लूइड उसमें से निकलता रहता है, म्यूकस के जैसा फ्लूइड उसमें से निकलता है। ये हैं इसके सिम्टम्स। अब हम इसकी दवाइयों की बारे में बात करूं तो होम्योपैथिक मेडिसिन इतनी अच्छी दवा है कि इस की तरह की कंडीशन को ठीक करने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है और बहुत ही जल्द इस दवा को लेने से आपकी प्रॉब्लम्स पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो सबसे पहली होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है बेलाडोना। दोस्तों, बेलाडोना उस कंडीशन में दी जाती है जब आपकी आँखों में रेडनेस रहती है, आपकी आँखों में दर्द रहती है, यानी कि फर्स्ट स्टेज अगर आता है तो उस कंडीशंस में रेडनेस रहना, लालीपन रहना, दर्द रहना, जलन रहना, तो उस कंडीशन में बेलाडोना 200 पोटेंसी आप ले सकते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन है वो है यूफ्रेशिया। दोस्तों, यूफ्रेशिया में ये देखने को मिलता है कि आपकी आंखों में लगातार आंसू निकलता रहता है और वो आंसू जो होता है बहुत ही जलन देता है और लैक्रिमेशन जो है वो जलन बहुत ज़्यादा है, बर्निंग वाटरी लैक्रिमेशन डिस्चार्ज होता है, आपकी आँखों में दर्द बना रहता है, सूजन रहता है, तो उस कंडीशन में यूफ्रेशिया 200 दो बूंद सुबह शाम आपको लेनी है। दोस्तों, इसके अलावा आपके आँखों से अगर स्टिकी यानी म्यूकस डिस्चार्ज हो रहा है, ही ज़्यादा ऑफेंसिव हो रहा है, म्यूकस डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उस कंडीशन में पल्सेटला 200 पोटेंसी में दो बूंद सुबह शाम आपको लेना है। कि आँखों से ग्रीनिश डिस्चार्ज हो रही है, हरे रंग का डिस्चार्ज हो रहा है, तो उस कंडीशन में काली आयोडेटम 200 पोटेंसी में आपको दो बूंद सुबह शाम लेना है। दोस्तों, इसके अलावा होम्योपैथिक आई ड्रॉप ममीरा आई ड्रॉप करके आती है,
आप उसको दो बूंद सुबह दोपहर शाम आपकी आँखों में डालना है। अगर हम बचाव की बात करें तो अगर आप बाहर निकलते हैं तो धूप से बचने के लिए आप चश्मा का यूज करें। बच्चों को भी अगर ये प्रॉब्लम्स हो रही है तो उनको भी चश्मा का यूज करवाएं। आप गॉगल्स यूज कर सकते हैं, सनग्लासेस यूज कर सकते हैं, धूप का चश्मा वो आप यूज कर सकते हैं। अपनी आँखों को आप रगड़े नहीं, आँखों को खुजलाए नहीं, और जब भी अगर आप अपनी आँखों को छूते हैं तो अपने हाथ को अच्छी तरह साबुन से ज़रूर धो लें। अगर किसी व्यक्ति को अगर आँख आ गया है तो उसके कांटेक्ट में आने से बचे, क्योंकि ये संक्रामक होती है, ये एक दूसरे से फैलती है, तो उनकी आँखों के कांटेक्ट में न आए, उनसे बचे। ये थे इसके बचाव। अगर घरेलू ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो इसे आप बर्फ़ से सेक सकते हैं, बर्फ़ से या ठंडे पानी से इसे सेक सकते हैं, और कॉटन यानी सूखा कपड़ा से, कॉटन कपड़ा से आप इसे पोंछ सकते हैं। ये है इसके घरेलू उपाय। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर मुझसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9534496107 पे पेड कंसल्टेशन आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ फिर नई वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।